खबर है राजनीतिक गलियारों से, जहां पर प्रधानमंत्री पद को लेकर विपक्ष का चेहरा कौन होगा इसे लेकर खींचतान अब इशारों इशारों में ही शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने इस पर खुलकर बोलते हुए कांग्रेस से साथ आने की अपील की है और बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस साथ आएगी तो बीजेपी को 100 से भी कम सीटों पर समेट देंगे। अब इसे ही लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन सा है वो लव यू वाला बयान, वो आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आप नीतीश कुमार का ये बयान सुनिए। हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए, ताजा पाए हुए हैं, ताकि के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां कहां और किनके किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करते हैं। अगर मेरा सुझौआ को अगर मान लीजिएगा कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पटना में CPI-ML के अधिवेशन में बोल रहे थे और यहीं पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे। उन्होंने मंच से ही नीतीश को जवाब दिया। क्या जवाब दिया पहले आप खुद ही सुनिए। पार्टी में जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं, लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है। प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं, प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है और कभी कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए कि अनुभवी बहुत सोचता है और जो नए लोग होते हैं वो अपनी दिल की बात अपने मुंह पर ले आते हैं और फिर बाद में वो ये कहने के भैया हम तो बस ऐसे ही हैं, हम तो ऐसी ही बात करते हैं। शोले का वो डायलॉग याद आ जाता है कि अम्मा जो भी है हम तो ऐसे ही हैं, हम तो सच्ची बात कह देते हैं। खुर्शीद का ये बयान अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हर जगह उनके इस बयान की चर्चा हो रही है। सलमान खुर्शीद का इस अंदाज में बयान देना आपको कैसा लगा और इसके राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं? क्या आलाकमान भी नीतीश कुमार के साथ 2024 में होने वाले चुनावों को लेकर समीकरण बैठाना चाहता है, लेकिन लव यू के इस खेल में पेंच PM के पद को लेकर फंसा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई नेता खुलकर इस बात को कह चुके हैं कि उनके प्रधानमंत्री पद का चेहरा राहुल गांधी हैं, जबकि नीतीश कुमार की आकांक्षाएं भी किसी से छिपी नहीं है। माना जाता है नीतीश कुमार खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं। बहरहाल इस बीच चर्चा जो है वो सलमान खुर्शीद के इस बयान की हो रही है। एक बार फिर सुनिए। पार्टी में जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं, लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है। प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं, प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है और कभी कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए कि अनुभवी बहुत सोचता है और जो नए लोग होते हैं वो अपनी दिल की बात अपने मुंह पर ले आते हैं और फिर बाद में वो ये कहने के भैया हम तो बस ऐसे ही हैं, हम तो ऐसी ही बात करते हैं। शोले का वो डायलॉग याद आ जाता है कि अम्मा जो भी है हम तो ऐसे ही हैं, हम तो सच्ची बात कह देते हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो राय हो जगह कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। धन्यवाद। VK News, राष्ट्र के नाम।